नमस्कार, हूँ आदर्श छु। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन, राइट? सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 17, तेजल इन अहमदाबाद, राइट? लास्ट हमने क्या देखा था? लास्ट हमने इस चैप्टर में देखा था कि तेजल की मॉम जो है वो अहमदाबाद में एक मंथ पहले आई थी, उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थी, राइट? एंड वो अभी अहमदाबाद की जर्नी वो बता रही थी कि अहमदाबाद में वो कैसी आई, उसके आसपास इतना क्राउड था। वो मामा के घर जा रही थी एंड उसके मामा के घर एक ही रूम था और सब एक साथ वो कर रहे थे एक ही रूम में, राइट? So, चलो अभी हम नेक्स्ट आगे का देखेंगे, क्या दिया गया है, कौन सा टॉपिक है? वाटर, वाटर, राइट? सो ओपन योर पेज नंबर 130 ऑफ द टेक्स्ट बुक। ओपन, सो गुड। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। रुत्वा मम्मी एंड आई, रुत्वा मामी एंड आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू द पब्लिक। अभी रुत्वा मीन्स तेजल की कोई कजिन होगी वो रुत्वा, एंड उसकी मामी, वो मामा के घर गई है तो वो मामी, एंड आई मीन्स तेजल जो हमें ये स्टोरी अभी सुना रही है। गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग, वो सुबह सुबह 4 बजे उठते हैं रोज, एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर। और वो क्या करते हैं रोज सुबह सुबह 4 बजे जाके पब्लिक की जो टैप होती है, टैप मीन्स क्या होता है, पानी, जिस नल में पानी आता है ना, वो वहां पे जाते हैं पानी भरने। जैसे कि हमारे 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 आसपास भी गवर्नमेंट का पानी आता है, राइट? तो उसी तरह वो क्या करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के वहां पे पानी भरने जाते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्या दिया गया है? ओह नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मैनी फाइट्स आर देयर फॉर वाटर। हमें वहां पे नहीं पता कि वहां पे कितने झगड़े होते हैं पानी के लिए, राइट? कभी हमने ऐसे आते जाते हुए रास्ते में देखा होगा कि कहीं एक जगह पे पानी आ रहा है जहाँ वहां पे फुल भीड़ होती है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा जमा होती है और वो एक दूसरे को बोलते हैं कि मुझे पानी भरना है, मुझे पानी भरना है, राइट? हमने ऐसा देखा है ना कई बार। तो वहां पे वो क्या करते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं कि पानी तूने इतना क्यों लिया, पानी मुझे पहले भरना है। ऐसे कोई बहुत ही छोटी बात के लिए वो झगड़ा करते हैं, पर वो उनकी डेली नीड्स होती है, राइट? पानी डेली का यूज होता है, पानी हमें डेली चाहिए, तो वहां पे पूरी भीड़ होती है। जिनके घर में रेगुलर वाटर नहीं आता है तो उनको वहां पे पानी भरने जाना ही पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के पानी भरने जाते हैं और वहां पे बहुत झगड़े होते हैं। इफ वी आर जस्ट लिटिल लेट, अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाए, देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे। अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो हमें पानी भरने का मौका मिलता ही नहीं है, हम भर ही नहीं सकते पानी। देर इज नो टैप इन अवर हाउस इन द विलेज टू। अभी हमारे घर में या हमारे किसी भी घर में, विलेज में पानी का नल ही नहीं है। ऐसा कई बार हमने देखा है ना, किसी जगह हमें नहीं मिलता है पानी, पानी होता है पर नल नहीं होता है, जहाँ नल होता है वहाँ पानी नहीं मिलता, राइट? तो ये हमने बहुत देखे है। द पॉन्ड इन द विलेज हैज वाटर। अगर अभी हमारे विलेज में पानी तो है, पॉन्ड्स तो है, पर हमारे यहाँ पे पॉन्ड इन द विलेज हैज वाटर, पर उसमें पानी बहुत ज्यादा है, पर नल में, हमारे घर में नल ही नहीं है। इट टेक्स 20 minutes टू वॉक टू इट। अभी जहाँ पे पॉन्ड है वहाँ हमारे घर से 20 मिनट लगते हैं पानी भरने के लिए, क्योंकि अभी हमारा घर यहाँ विलेज के अंदर है। पॉन्ड्स अभी कहाँ होते होंगे, थोड़े से बाहर होते होंगे, राइट? विलेज के आसपास नहीं है, विलेज के हम थोड़ा बाहर निकले फिर ही हमें पॉन्ड देखने को मिलता है, राइट? हमें ये पता है ना, गुड। आगे क्या दिया गया है, इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइज अप।
अभी कई बार इतनी तेज जब गर्मी होती है, इतना तेज समर हमें, जब हम उस टाइम पे तेज समर के टाइम पे हमें क्या होता है, वो पॉन्ड में जो पानी होता है ना वो पूरा सूख जाता है, क्योंकि धूप इतनी होती है कि वो जो पानी है वो भी सूख जाता है। तो उस टाइम पे तो हमें वो पानी भी नहीं मिलता, हम वहां पे भी जाके भर नहीं सकते। Then we have to walk for almost an hour to the river to get water. फिर अगर वो पॉन्ड सूख जाता है तो अगर हमें इतना जरूरी पानी चाहिए ही तो हमें एक घंटे की वॉकिंग करके बाहर जाना पड़ता है रिवर ढूंढने के लिए। रिवर तक पहुंचने के लिए हमें एक घंटा लगता है। उनको कितना टाइम लगता है? एक घंटा। अभी हम क्या एक घंटा वॉक कर सकते हैं कभी? नहीं ना। पर उनको सुबह सुबह 4 बजे उठ के अगर उनको ये पानी नहीं मिलता तो वो एक घंटा चल के सुबह सुबह इतनी जल्दी वो लोग जाते हैं कहाँ पानी भरने। बहुत टफ है ना ये वाला काम, तो क्योंकि इतनी सुबह जल्दी हम तो उठ ही नहीं सकते, पर उनको तो उठना ही पड़ता है पानी के लिए। बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर। पर अभी हमारे विलेज में कहीं पर भी ऐसे झगड़े नहीं होते हैं पानी के लिए। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज अ टॉयलेट एंड वन एंड। अभी जहाँ पे मेरे मामा रहते हैं वहाँ क्या है, एक डिफरेंट टॉयलेट भी वहाँ पे स्ट्रीट पे दिया गया है एंड और एक एंडिंग पर भी है। Everyone in the street uses the toilet. अभी पूरे स्ट्रीट में अगर हमारे घर पे नहीं है तो पूरी स्ट्रीट में वो लोग उस टॉयलेट का यूज कर सकते हैं। इट इज एनी वे इट इज ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड। अगर हम पूरे एरिया मीन्स पूरा स्ट्रीट जो वहाँ पे वो ऐसे जाएंगे तो ऑब्वियसली है कि बहुत डर्टी एंड बहुत ही उसमें स्मेल आती होगी। इन द बिगनिंग आई फेल्ट लाइक वॉमिटिंग। अभी जब मैं पहली बार वहां पे गई तो मुझे तो उल्टी के जैसा लगा। राइट, हमें भी कई बार ऐसा लगता है ना, हम जहाँ पे हम जब बाहर जाते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है ना। एट टाइम देयर इज नो वॉटर, और उस टाइम पे तो पानी भी नहीं था। वी हैव टू टेक वॉटर विथ अस। अभी जब हमें वहां जाना पड़ता है तो हमें अपने साथ हमारा पानी ही लेके जाना पड़ता है। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस थिंग्स। अभी मैं तो यहाँ पे यूज हो गई हूँ, मुझे अभी पा गया है यहाँ पे, क्योंकि उसको एक मंथ से ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि उसको यहाँ पे हो गया होगा। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट। अभी जो विलेज एरिया है वहां पे वो लोग क्या करते हैं, टॉयलेट्स पे जाते हैं, प्लेसेस पे जाते हैं। राइट, ओपन प्लेसेस पे जाते हैं टॉयलेट करने के लिए। जहां हमने विलेजेस में देखा है जिनके घर में ऐसे टॉयलेट्स नहीं होते तो वहां पे डिफरेंट एक प्लेस होती है, पर उनको ओपनली वहां बैठना पड़ता है। द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस। अभी जो मेंस और लेडीज हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाना पड़ता है। ओके, सो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अभी क्या दिया गया है नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या दिया गया है? राइट, नेक्स्ट हमें दिया गया है राइट द क्वेश्चन एंड आंसर्स हमें दिए गए हैं। तो चलो अभी हम डिस्कस करते हैं कौन से क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए गए हैं। Why did Tejal have to bring her mother from the village to Ahmedabad? अभी तेजल को उसकी मम्मी को यहाँ पे अहमदाबाद में क्यों ले आए विलेज से अहमदाबाद क्यों ले आए तेजल की मदर को? राइट, हमें क्या पता है क्यों लेके आए उनको? राइट, और उनकी तबीयत खराब थी तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना था तो उनको अहमदाबाद में लेके आए ना। गुड, अभी नेक्स्ट क्या दिया गया है? Why did Tejal used to feel like vomiting when at first she had to use toilet where Mama lived? अभी तेजल, हमने अभी अभी बात की ना कि तेजल को ऐसे vomiting का क्यों ऐसे लगा जब उसने first time toilet का use किया street के, क्यों ऐसा लगा? Right, हमने अभी अभी देखा ना कि वहाँ पे बहुत ही dirty toilet था and उसमें से बहुत ही smell आ रही थी।
राइट, तो इसलिए उसको वॉमिटिंग की तरह लग रहा था, है ना? राइट, तो ये थे हमारे टू क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन व्हाट वेज डिड तेजल फाइंड हर मामास हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज। अभी हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, इन व्हाट वेज डिड तेजल फाइंड हर मामास हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज। उनको क्या डिफरेंस लगा उस तेजल के हाउस में और मामा के हाउस में, क्योंकि तेजल पहले विलेज में रहती थी, अब तेजल कहाँ आ गई है? राइट, तेजल आ गई है यहाँ उसके मामा के घर अहमदाबाद में। गुड, व्हाट डिफरेंस डिड तेजल फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप एंड इन द विलेज। अभी उसमें डिफरेंस क्या दिखाई दिया तेजल को, गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप। अभी पब्लिक टैप मीन्स हमने नल का देखा, राइट, पब्लिक जो गवर्नमेंट के नल में हमें पानी मिलता है उसमें, एंड इन द विलेज में हमें पानी मिलता है उसमें, उसने उसने क्या डिफरेंस देखा, अभी वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर तेजल्स मामा लिव्ड, क्या वहां पे बिजली थी जहाँ पे तेजल के मामा रहते थे? हाउ डिड यू नो, हमें कैसे पता चला? राइट, अभी ये आंसर हमें लिखना है। ओके, सो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन एंड आंसर्स का हमने कंप्लीट कर लिया। आगे क्या दिया गया है टॉपिक, आगे कौन सा है, 132 पेज नंबर पे नीचे लॉन्ट, लॉन्ट दिया गया है ना, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि वहां पे क्या दिया गया है। एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर, रोज मैं क्या करती हूँ, रोज हॉस्पिटल जाती हूँ बस में मम्मा को देखने के लिए। एट फर्स्ट आई वॉज टू स्कैर्ड टू गेट इन टू सच क्राउडी बस, सर जब मैं पहले यहाँ पे आई थी तो मुझे बहुत डर लगता था ऐसे क्राउड वाली बस में जाना। ओके, कभी कभार हमें भी ऐसे डर लगता है ना। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट, मैं कभी भी ऐसे ऐसी जगह से ऐसे लोगों से परिचित नहीं थी। आई वॉज अफ्रेड, मैं बहुत डरी हुई थी, बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट, पर अब ऐसा नहीं है। आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, मुझे पता है कि मुझे लाइन में कैसे खड़ा होना है। हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, मुझे टिकट के लिए कितने पे करने हैं। वेयर टू गेट डाउन, मुझे कहाँ उतरना है, ये मुझे अभी सब पता है, तो अभी मुझे इस बात का डर नहीं लगता। वेयर वी स्टे देयर इज अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय, जब जहाँ हम रहते हैं उसके पास ही एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, बहुत टॉल बिल्डिंग है। माई मामी वर्क्स इन 7 हाउसेस देयर, जो मेरी मामी है वो वहां पे काम करती है, 7 हाउसेस का काम करती है। शी वॉशेस यूटेंसिल्स एंड क्लीन द हाउस, वो वहां पे कौन सा काम करती है, वो वहां पे यूटेंसिल्स वॉश करती है एंड हाउस को क्लीन करती है, 7 हाउसेस का वर्क वो करती है। वन डे वी वेंट देयर विद हर, एक दिन मैं उनके साथ वहां पे गई थी। When I first saw the building, जब मैंने पहली बार उस बिल्डिंग को देखा, I thought that it was one big house, मुझे लगा कि वहां पे एक बड़ी सी जगह होगी, बड़ा सा घर होगा, but I found that there were many houses on the top, पर मैं जब वहां पे गई तो मुझे देखने को मिला कि एक फ्लोर पे बहुत सारे घर थे। I was wondering how I would climb so many stairs, मैं देख रही थी कि मैं इतनी सारी सीढ़ियां मैं कैसे चढ़ सकती हूँ, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग्स में सीढ़ियां बहुत ज्यादा होती है, राइट, तो वो 7 हाउसेस का काम करने के लिए कितनी बार ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है, तो वो तो स्टेयर्स देख के ही वो सोच रही थी कि मैं कैसे इतनी सारी स्टेयर्स चढ़ूंगी। But there was a lift to take people up and down, पर वहाँ पे एक लिफ्ट थी जहाँ लोग ऊपर नीचे जा सकते हैं, राइट, इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विथ फैन, लाइट एंड इवन अ बेल, वो कैसा था, एक बिग आयरन
जैसे लोखंड के बॉक्स की तरह था, जिसमें फैन भी था, लाइट भी था और बेल भी था। सो मैनी ऑफ अस गॉट इन टू द लिफ्ट, बहुत सारे लोग हम उस लिफ्ट में गए। समबडी प्रेस्ड द बटन एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली, अभी किसी ने यहाँ पे बटन प्रेस किया उस लिफ्ट में और लिफ्ट कहाँ चली गई, सीधा ऊपर चली गई, फटाफट ऊपर चली गई। रियली आई वॉज वेरी स्कैर्ड इन द बिगनिंग, सच्चे में मुझे पहले उस चीज में बहुत डर लगता था। जब हम पहली बार ऐसी चीजों में चढ़ते हैं, पहली बार उस चीजों में बैठते हैं, तब हमें डर लगता है। पर अगर हम उसमें ज्यादा रोज उसमें चढ़े उतरे तो हमें इतना डर नहीं लगता, क्योंकि हम उससे अभी यूज टू हो गए हैं, राइट। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, अभी हम आगे से देखेंगे कि यहाँ पे 133 पेज नंबर पे नेक्स्ट क्या दिया गया है। ओके, सो तब तक आप एक क्वेश्चन एंड आंसर्स भी फिलअप कर लेना एंड आगे का ये जो पूरा है वो अभी आप रीड कर लेना। ओके, अगर आप ना समझ में आए तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट, नेक्स्ट जूम में हम ये डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।